आप मकई बेच रहे हैं बड़ी मजेदार होती है, ये बताएं कि ये जो आपने आग जलाई हुई है ये आपको नहीं लगता कि आलूदगी का बाइस है? ये धुआं निकल रहा है, आपने नीचे लकड़ियाँ जलाई हुई है ना, तो ये लकड़ियाँ जो जलती धुआं नहीं कर रहे, लेकिन धुआं थोड़ा हो सब मिल भाई, कतरा कतरा समंदर हो जाता है ना, अब सब अगर बेचने लग जाए, रक्षों के धुआं, बसों के धुआं, गाड़ियों के धुआं, इन चीज़ों के धुआं, कचरा जलने का धुआं, तो ये मुश्किल बन जाएगी ना, सेहत के लिए नुकसानदेह। सेहत के लिए नुकसान है लेकिन गाड़ी का धुआं नुकसान है, ये नुकसान नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं है आपको, तो नुकसान नहीं है लेकिन माहौल को तो नुकसान पहुँच रहा है ना, आपके माहौल में जो आपके हरियाली जो होती है वो ख़त्म होती जा रही है, उन चीज़ों को नुकसान है। इंसान की सेहत दिन ब दिन कम होती जा रही है, इंसान की सेहत को दिन ब दिन ज़रा सा कुछ हो जाए तो नुकसान पहुंचता है, उसको बीमार हो जाता है, वो सारी ये चीज़ें मिलके उसको बीमार कर रही हैं। बात तो आपको सही है लेकिन हमारे को अभी तो कुछ नहीं हुआ। भाई आपका रोज़गार है, हम आपको मना नहीं करते कि आप ना करें, लेकिन कोई ऐसा कोई काम कर लें कि आपको लकड़ियाँ जलाना ना पड़े, आपको कुछ ऐसा काम करें कि आप कुछ चूल्हा लगवा लें, कोई गैस लगवा लें, कुछ कर लें ताकि ये धुआं ना निकले। गैस लगाएगा तो इतना खर्चा कौन भरेगा, इतना खर्चा ही नहीं है, 110 रुपये किलो है। ठीक है, कुछ तो किसी एक को तो कदम उठाना पड़ेगा ना, आप कोशिश तो करें, आप बोलें तो सही कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल मायूस ना हो जाना ज़िंदगी से, आप बोलें हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। कोशिश तो ज़रूर करूंगा, जब काम होएगा तो पैसा आएगा तो करूंगा। आप एक दफ़ा नियत तो करें, नियत से सब कुछ होता है। करूँगा नियत, इंशाल्लाह करूँगा, ये बोलूँगा छोड़ूंगा तो अच्छा है, हम खुद भी नियत करें छोड़ो। नहीं, आप नियत करेंगे आप भले बेचें लेकिन आप अच्छे तरीके से बेचेंगे, आप साफ़ सुथरा बना के बेचेंगे, और दूसरा ये कि आप ये धुआं वगैरह वाली जो है इन चीज़ों से निजात लोगों को दिलाएंगे, आप गैस का चूल्हा लगवा लेंगे कम से कम, नियत कर लें। इंशाल्लाह नियत करूँगा, जब ये चूल्हा भी ले लूँगा गैस भी आएगा ज़रूर, जब आएगा तो इंशाल्लाह। इन्होंने नियत कर ली है, कह रहे हैं कि भाई पैसे आएंगे तो चूल्हा भी ले लूँगा, मकई बेचूँगा, मकई ज़िंदगी भर बेचूँगा, लेकिन मैं चूल्हा भी ले लूँगा, हर चीज़ करूँगा अच्छी नीयत के साथ। आप थोड़ा आगे खड़े हो जाएं, वहाँ खड़े हो जाएं, वहाँ भी लोग खड़े हैं, जगह है, लेकिन यार ये नहीं होना चाहिए ना, आप बस स्टॉप ही फेंक देते। हम देखें, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों तक जो बैठे हुए हैं उन तक ये बात पहुँचा सकें कि इस तरीके से कचरा रोडों पर पड़ा है वो हटा लें खुदा के वास्ते, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी सही खुशगवार माहौल में गुजार सकें। लेकिन हमारा ये भी आपको भी ये कहना है कि आप भी ज़रा सा दूर हो जाएं इन चीज़ों से। ठीक है, अभी दूर होता हूं। भाई इन्होंने कह दिया कि ये दूर हो जाएंगे और आइंदा ये इस तरह के कचरे वाले माहौल में नहीं बैठा करेंगे, ये अपने लिए बस स्टॉप हो कुछ भी हो साफ सुथरी जगह पे जाके खड़े होंगे। आप बोलते नहीं हो जो बड़े उनको, मुझे एक बात बताएं, हम इंसान खुद कोशिश क्यों नहीं करता, आप अपने घर की सफाई खुद करते हैं या हुकूमती इदारे? तो सही है लेकिन ये तो हुकूमत का फर्ज बनता है ना। आप मैं मेरे सवाल के जवाब दें, आप अपने घर की सफाई खुद करते हैं या हुकूमती इदारे आगे? वो तो हमारा घर रहने की जगह है। तो ये आपका मुल्क, आपका शहर, आपका घर नहीं है? हमारा सब कुछ है, जहाँ हमारा काम होता है वहाँ सफाई करते हैं, यहाँ हमारा काम सफाई करने का। ये चीज़ नाज़रीन आपने इनकी बात सुनी, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, जहाँ इनका काम नहीं है वहाँ ये सफाई क्यों करें? हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है, हम इसे ओन करते हैं, हमें इसको बनाना है, हमें इस शहर को इस मुल्क को तरक्की दिलानी है, हम ही इसका असासा है, हम ही सब कुछ हैं। हम भूल जाएंगे इन चीज़ों को, हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो कल को हमें सब इग्नोर करेंगे, और ये बात सच है। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ठेलो वालों को हटाना चाह रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंकल ये जो बसों में से धुआं निकल रहे हैं, जो रक्षे में से धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियों में से धुएं निकल रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, हुकूमत क्यों करे, हम अपने घर से क्यों नहीं, हम खुद एक क्यों नहीं इकदाम करें उसके लिए? ये सारी केस के अंदर है, ट्रैफिक के जो अलकार है ना वो उसमें शामिल है, ताकि वो जो ना पैसे लेके ना उन गाड़ियों को ना पास कर देते हैं। आप क्या कोशिश करेंगे कि आप अगर कोई सवारी यूज़ करते हैं तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आपकी गाड़ी में से धुएं वगैरह ना निकले? यार करो, मैं तो एक ये धुएं से मैं इतना परेशान होता हूँ, अगर मुझे 3 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़े मैं जाना पसंद करूँगा, ये सेहत के लिए नहीं है मुझे। कल हमारा मकसद ये है कि आप अपनी सेहत से कोशिश ज़रूर करें कि आप लोगों को जिसकी गाड़ी में से, चाहे वो रक्षा हो, गाड़ी हो, बस हो, कुछ भी हो, आप उसको ये ज़रूर पकड़ के बताएंगे आपकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, आप ये काम कर लोगे तो शायद ये बंद हो जाए धुआं निकलना। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये गाड़ी वाले की भी जिम्मेदारी है, मगर जो आदमी करप्शन ले रहा है, मेरी बात पहले समझें आप। अंकल लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम अपने घर को तो खुद साफ सुथरा रखते हैं ना, हम अपने घर की सफाई तो खुद करते हैं, पड़ोसी तो आगे नहीं करता, तो हम अपनी चीज़ को कैसे रखेंगे साहब? ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये आपके साथ कॉपरेट ये कर सकता हूँ कि 20-25 है ना बैनर जो ना ये लिखवा के लगा देता हूँ कि आप इस पर जो अमल दरामद करें। नाजरीन इन्होंने कहा कि ये 20-25 बैनर ज़रूर बना के लगा देंगे कि माहौल की सफाई का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, और तदाबीर बता देंगे कि अगर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और गाड़ियों की वजह से अगर बहुत ज़्यादा रश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन माहौल में, तो ये बैनर लगाएंगे कि
क्या हल है उसका और किस तरीके से आप माहौल की सफाई का खास ख्याल रख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, जिस तरीके से आप अपने घर का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से आप अपनी गाड़ियों को भी मेंटेन रखें, आप अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरीके से आप अपने मुल्क को भी साफ रखें, अपने शहर को भी साफ सुथरा रखें। आपके लिए अच्छा, आपकी ज़िंदगी खुशगवार होगी जब आपको माहौल अच्छा मिलेगा। तो नाज़रीन, हमने लोगों से बात की और लोगों से जाना कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक आएँ और आपको ये समझाएं कि इन चीज़ों से आपको नुकसान है, आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। और नाज़रीन, आप हमें ज़रूर ईमेल कीजिएगा, अपनी राय से आगाह करते रहें कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को लेकर चलें और किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं। ईमेल आईडी हमारा इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है आपके सामने, आप हमें ईमेल ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट हमाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।